ले जी, कावा शक्ल से तो बहुत प्यारा है, टेस्ट में भी ये उतना ही मज़ेदार है। ठीक है, जब तक कावा थोड़ा सा ठंडा होता है तब तक मैं अपने बालों में लगाती हूँ कोकोनट ऑयल। कल मैंने आप लोगों की एक रेमेडी बताई थी बालों की। वेलकम टू माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? कहते ठीक है, खैरियत से हैं, मजे में है। भाई साहब, आज ये सारी बच्चा पार्टी जो है ना मेरे साथ आ गई थी कि हमने भी पिज्जा खाना है 14th Street का, तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। और अब हम जाने लगे हैं 14th Street का पिज्जा बच्चों को खिलाना है। आप लोगों को पता है मैंने तो लास्ट टाइम ट्राई किया था, अच्छा था। क्या कह रही बच्चों कैसा लगा पिज्जा? मैं नहीं बताऊंगा। बहुत अच्छा था, सो टेस्टी, बहुत हैवी था, बहुत हैवी था। हाँ हैवी तो था, वैसे हमें उसकी ना क्रस्ट जो थी ना वो थिन करवा लेनी चाहिए थी। ओरिजिनल क्रस्ट जो है वो इसलिए भी थोड़ा सा हैवी था। हाँ, और जो सेकंड वाला था ना वो नहीं मुझे अच्छा लगा। उसकी चीज स्टिक्स अच्छी थी। हाँ, उसकी चीज स्टिक्स बहुत अच्छी थी। उसके टाकोस, मैंने टाकोस थे वो? नहीं, वो पॉकेट पोटैटो था। पॉकेट पॉकेट नहीं, वो था चीज पॉकेट। हाँ, चीज पॉकेट वो मैंने टेस्ट किया, वो अच्छा नहीं था। वो अच्छा नहीं था। चले जी, चीज बेड से। चलो, आप लोगों का तो फन हो गया ना। चलो, गुड हो गया, अब हम चलते हैं घर। ने जो सोफा कम बेड का ऑर्डर दिया था वो बंदा बाहर आ चुका है सोफा कम बेड डिलीवर करने। ठीक है, बाहर चलते हैं उससे सोफा कम बेड अनलोड करवाते हैं। वो आ रहा है, वो बस 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 नहीं जी, वैसे तो प्यारा लग रहा है, अब देखते हैं अभी उतरवा के। खोले, दोबारा खोले इसके बाद। ठीक है ठीक है ठीक है, ये नजदीक से पकड़ लेंगे ना तो ज्यादा इजी हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, चीज बढ़िया है। लो भाई साहब, मैं पूरा दिन गुजार के पूरी रात उधर स्टे करके अब यहाँ पर आई हूँ फ्री होके उनके घर से, और आई हूँ तो ये लाइटें आंखें मार रही है। अभी मैंने ठीक कराई थी, दोबारा से इसने तंग करना शुरू कर दिया। और यहाँ मैंने अपनी बेडशीट चेंज किया, कल जाने के लिए कपड़े डिसाइड कर रही हूँ क्या पहनूँ। वहाँ पे भी कपड़े हैं, यहाँ पे भी कपड़े हैं, देखो अब क्या फाइनल होता है। सुबह मैंने जाना है तो फिर उससे पहले जो है मैं कहवा बनाती हूँ, कहवा पीते हैं,
और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। भाई साहब कहवे के लिए पानी रख दे, इसमें डालते हैं थोड़ा सा अदरक, अब डालते हैं दो इलायची और ये डालते हैं थोड़ी सी सौंफ। ये जो कहवा बन जाएगा ना, ये बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। थोड़ी देर के लिए इसे दम पे रखते हैं। भाई जान दम पे रखने से पहले पिशावरी कहवा तो डाल लें जो कहवा बनना है। अब इसके बाद इसको हल्का सा उबाल आने के बाद हम इसको ढक देंगे ताकि ये दम पे पके। रुको जरा, सबर करो। ले जी, कावा शक्ल से तो बहुत प्यारा है, टेस्ट में भी ये उतना ही मज़ेदार है। ठीक है, जब तक कावा थोड़ा सा ठंडा होता है तब तक मैं अपने बालों में लगाती हूँ कोकोनट ऑयल। कल मैंने आप लोगों की एक रेमेडी बताई थी बालों के लिए, उससे तो मेरे बाल स्मूथ और सिल्की हुए ही थे। अब मतलब एक दिन छोड़ के, दो दिन छोड़ के, मतलब आपको अपने बालों की ऑयलिंग करना भी ज़रूरी है जिससे आपके बाल मज़ीद सॉफ्ट रह सकें। अब ये है कोकोनट ऑयल, ये हुआ हुआ है इस टाइम फ्रीज। ठीक है, इसको थोड़ा सा मेल्ट करके हीट देके फिर इसको बालों में अप्लाई करेंगे, इससे मज़ीद बालों में जो है ना सॉफ्टनेस और सिल्की हो जाएंगे। और तब तक मैं अपने बालों में ऑयलिंग करवाती हूँ। यहाँ मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।